एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। देश विदेश में काम करने वाले मुझ जैसे हिंदुस्तानियों का दिल एक मायावी आईने की तरह है। जब जब हम अपने चेहरे को देखेंगे, तब तब हमें अपने गांव की याद आती रहेगी। मैं तंजौर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और मेरे दोस्त ही मेरे रिश्तेदार हैं। उन सबसे मिलने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। इस जिंदगी को छोड़कर गाँव जाने का मन कर रहा है। मैं बहुत सालों से अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। मुझे अपने गांव की मिट्टी में गिरकर लेटकर आनंद लेने का मन कर रहा है। लेकिन यहां मेरे भरोसे पर मेरी कंपनी और मेरे क्लाइंट्स हैं, और यहां मेरे पीछे पड़ी हुई एक लड़की मेघा। मुझ जैसे हिंदुस्तानी आदमी को इस तरह की विदेशी लड़की नहीं चाहिए। Why you came to my home? I told you, तुम्हें घर आने से मना किया था ना? तुम भले कितनी ही बार मुझे मना कर लो, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। Look, you are my office colleague. I'm your boss, याद रखना। No, I'm in love. अरे बाप रे, इस लड़की को कैसे समझाऊं? तू समझती क्यों नहीं है? चल उठ जा, उठ। Look. Yes. I'm totally different stuff. हाँ कबीर बोल। हेलो करण, तू कैसा है? स्पीकर ऑन कर। अरे वर्धन सर के बारे में पता लगाया है नहीं? ए, उन्हें रिटायर हुए 5 साल हो गए, वो कहाँ है पता नहीं, खोजबीन जारी है। अरे उनको छोड़, तू जल्दी आ जा। ए सदा, माँ कह रही है जल्दी शादी कर ले। गुड, तुरंत शादी कर लो। हाँ, अरे मेरी शादी नहीं, तेरी शादी। तू विदेश में रहकर पागल हो गया है क्या? तू जल्दी आ, तेरे लिए लड़की देखनी है। ऐसा क्या? अरे तू वहाँ से तुरंत यहाँ आ जा दोस्त। मुझे भी कुछ दिनों से गाँव की याद आ रही है, मैं आ रहा हूँ। अरे अच्छा माल तोल ना भाई, इसके लिए रखा है सब। ए हट हट हट, ये ली। अबे पैसे हट, मार गई। ए कौन है यार ये लोग? अरे मुझे क्या पता यार। नमस्ते, पहली बार देख रहा हूँ एक लड़की हफ्ता वसूल कर रही है। देख यार, सब लोग डर के मारे हफ्ता दे भी रहे हैं। अबे चल बे, मरवाएगा क्या? यार करण, तेरे साथ हम लोग ऐसे ही दौड़ेंगे तो फिट रहेंगे। ए तरुण, ए उठ यार। अरे यार अच्छी खासी नींद की क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो यार? सुबह से हम लोग 4 राउंड लगा चुके हैं और तू यहाँ पे सो रहा है, आना चाहिए ना। अरे यार सुबह सुबह का राउंड मुझे नहीं जचता यार, रात में राउंड मारने बुलाओ। मेरी बॉडी में कोई तकलीफ नहीं है, मैं ऊपर से नीचे तक फिट हूँ। अरे यार, अरे यार मुझे हाथ देके उठा। चला जा, उठ जा। अरे अबे अरे कौन है ये लोग? अबे तुम लोग चुपचाप खड़े हो क्या? अबे सबूतर, अबे वो मारेंगे उसको। अरे भर जाएगा वो, अरे वहाँ नहीं जाएगा। अरे तू चल, गाड़ी स्टार्ट कर लेके चल इसको। अरे चलना भाई यार। हमसे पंगा लेता है। ठीक क्या भाई इसके साथ? ठीक क्या? हाय 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 हाय, नमस्ते।
सबको नमस्ते। तंजौर के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम धनंजय है और यारो मैं मलेशिया से आया हूँ। तू मलेशिया से सीधे इसी गाड़ी में आया हो का? हाँ, इसी को तंजौर में चुलबुली कहते हैं ना। हाँ, इसी गाड़ी से मैं मलेशिया से आया हूँ। ये गाड़ी मैं फ्लाइट से मलेशिया से अपने साथ लाया हूँ। पर तुम यहाँ कहे आए? क्योंकि मैं भी तंजौर का रहने वाला हूँ। अभी मैं NRI हूँ, मैं मलेशिया से आ रहा हूँ। तंजौर के गांव वालों के लिए गांव के आउटर में सबके लिए फ्री हॉस्पिटल, सबके लिए फ्री स्कूल, ये सब बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वो सब तो ठीक है, ये बताओ दो घड़ी का पहने हो? गुड क्वेश्चन। मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे 24 घंटे कम पड़ते हैं, मुझे 48 घंटे की जरूरत है, इसलिए मैं डबल वॉच पहनता हूँ, समझे? ए फ्रेंड, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। मुझे बस एक वड़ा दिला दो। तुम्हें एक वड़ा चाहिए? कितनी छोटी सोच है तुम्हारी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शॉप ओनर, आपकी बॉडी भी बड़ी है और आपकी दुकान भी बड़ी है, इसलिए एक बड़ा सा वड़ा दे दो। इस गरीब से पैसे मत लेना, ओके? ठीक है साहब। खाओ खाओ। हे, तुम्हें तो मैंने पहले कहीं देखा है। इस गांव में हम बहुत फेमस है ना? नहीं, तुम मेरे साथ स्कूल में पढ़ते थे। तुम मेरे साथ पढ़े? हाँ। तुम्हारा नाम क्या था? प्यारे या न्याय? हाँ न्याय। अरे न्याय, तुम मेरे दोस्त हो। मुझे नहीं पहचाना तुमने, पहचान ले। मिस्टर मनी। मिस्टर? मिस्टर को कचरे में डालो, मनी नाम से ही पुकारो। लेकिन अब मेरा नाम धनंजय हो गया है। धनंजय हो गया? तुझे मेरे पास कोई चेन वेन कम दिख रही है क्या? नहीं नहीं, बहुत सोना है। अच्छा ये बताओ, तुम आजकल इस गांव में कर क्या रहे हो? कुछ भी नहीं करते। तब से तुम ऐसे निठल्ले हो क्या? और का? डोंट वरी, अब तुम बिजी हो जाओ। ए मनी, मनी कैसा है तू? आप कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ। डू आई नो यू? ए क्या यार, तू मुझे नहीं पहचानता? अरे हम सब एक साथ पढ़ते थे। मैं सदा सदा। अरे मैं पढ़ाई करके मलेशिया चला गया था, वही सदा। सदा मलेशिया से आ रहे हो क्या? मैं भी मलेशिया में ही रहता हूँ, बस अभी अभी आ रहा हूँ। अरे तू भी मलेशिया में रहता है? मैं तो केएल में रहता हूँ, तू कहाँ रहता है? मैं हूँ, बट सदा कौन? ए तू मनी ही है ना? हाँ मनी। उल्लू मनी है ना? मजाक को डिलीट करके मनी नाम से पुकारो यार। छोड़, मैं तुझे कभी देखूंगा ये मैंने सोचा नहीं था। इस शहर में तुझे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अच्छा, लेकिन तुम हंस क्यों रहे हो भाई? अरे कुछ नहीं। हाँ। मुझे एक बात याद आ गई। हाँ। फर्स्ट स्टैंडर्ड में टीचर ने तुझे बहुत मारा था और तुझे बहुत गुस्सा आ गया था। पूरे क्लास के सामने तूने पेशाब कर दिया। काम चाहिए ना तुझे? ए, चुप जाओ चुप जाओ, मेरी बात सुन सदा। मैं तंजौर जाकर एक होटल ढूंढ कर रूम लेता हूँ, बाकी बातें वहीं करते हैं, ठीक है? भैया, छठवीं क्लास में कुछ खास हुआ था क्या? अरे बाप रे, सिक्स्थ क्लास में पढ़ते वक्त जो हुआ उसे भूल ही नहीं सकता। अरे वैसा मजाक तो आज के दिन में भी कोई नहीं कर सकता। ए, जाने देना यार, कोई नहीं कर सकता। अरे तू चुप रहे यार। अरे उस समय ये 11 साल का था और उस समय हम दोनों साथ में लंगोट पहनकर तालाब में सांप पकड़ने गए थे। जरा साउंड कम करके बोलना। उसी समय स्कूल की छुट्टी हुई और लड़की आ रही थी और ये शहरों के मारे बाजू में कुआं था, उसे मैं कूद गया। कूदते ही लंगोट हवा में उड़ गया। अरे सब लोग नाचते हो, नंगा ही नहाते। अरे छोड़ो ना, छोड़ो, तू भी ना। और ये कुएं में चिल्ला रहा था, अरे बाप रे मच्छी ने काट लिया, मुझे मच्छी ने काट लिया। कहाँ काटा, कहाँ काटा, बताओ ना। और उसी दिन से इसका नाम उल्लू मनी पड़ गया। अच्छा उल्लू मनी। चल ना, चल चल यहाँ से, चल। भैया आठवीं क्लास में कुछ हो रहा है इनके साथ? अपने नाम से बंद कर। हे, मेरी इमेज डैमेज क्यों कर रहा है यार? मैं तो सही रास्ते पर चलकर इतना बड़ा आदमी बना हूं, समझा? गांव वालों का कुछ भला करूंगा तो दिल में खुशी होगी। सुन, तू अपने ट्रैक पे जा, मैं अपने ट्रैक पे जाता हूं। मैं जिस दिन अपने काम में सफल होऊंगा उस दिन आकर मुझे ब्लेस करना। ओके ओके यार, डन। ओके, अब मैं क्या कह रहा था। बैठो बैठो बैठो। पंडित जी, सबका चाय कॉफी का बिल कितना हुआ? 50 रुपए। 50 रुपए? सॉरी, मेरे पास चेंज नहीं है। तो एक काम करो, तुम्हें सोने की अंगूठी रख लो। बाबा इट्स ऑल राइट, ये सब तो होते ही रहता है। तुम लोग कुछ सोचो मत, मैं अपने पैसों को इन्वेस्ट करके एक बिजनेस शुरू करके उससे आने वाले पैसों से आप लोगों के लिए एक मुफ्त हॉस्पिटल और मुफ्त स्कूल खोलना चाहता हूँ। तो कौन कौन पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है? मैं करना चाहता हूँ साहब। उधार मांगने वाला आ गया क्या? नमस्ते साहब। Who are you? इंसान। पर ये सारे लोग भूत-प्रेत हैं क्या? मेरा नाम इंसान। Oh, I see. What is the matter? सर, आजकल रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा कमाई होती है। हाँ। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए ना। आई सी। सुना मनी, जितना पैसा कमाया सब बैंक में डाल दो, रियल एस्टेट में नहीं डालो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे रे तुम। अपना मनुष्य मुंह बंद कर। मैंने फैसला कर लिया है, मैं धनंजय रियल एस्टेट बिजनेस में कूदने वाला हूँ। सदा, अब तो बियर को कोल्ड ड्रिंक में शामिल कर लिया है। कॉलेज की लड़कियाँ भी आजकल एक पैक मारने के बाद घर जाती हैं। अभी अपन खेत में जाएंगे दाढ़ी पीने, शांति होटल में जाके परोठा और बिरयानी खाएंगे, फिर शकीला का डांस देखेंगे, सही है ना? अपना तंजार अब पहले वाला नहीं रहा, गुंडे लोगों ने इसे बर्बाद कर दिया। भले ही तंजौर की गुंडागर्दी बढ़ गई हो,
लेकिन यहाँ की खूबसूरती तो वैसे की वैसी ही है। अरे यार, ये तो मार्केट वाली लड़की है, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही है? मुझे तो लगता है जरूर शराब पीती है। शराब की दुकान है क्या आसपास? वैसे हम लोग तो चाह रहे हैं, ये अकेली है। ए, इधर आ, चलो ट्रेन निकाल वरना गुस्सा दूंगी पेट में, समझा ना? दारू पीता है। अरे सब्जी काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते तो लड़की को देखा है, पर ये लड़की तो चैन लूटने के लिए चाकू निकाल रही है। इस अंधेरी रात में चाकू दिखाकर एक लड़की आदमी से वसूली कर रही है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। चल जा। ए, अरे रुक, क्या कर रहा है? काट डालूंगी। ए, रुक 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 रुक। अबे तुझे कहाँ काने चिंता रहे? मांगा लेगा और मांगा। अगर तुम्हारा छोर शराब की दुकान में देखा ना, तो लात मार मार के तेरा भूत। अबे ऐसे पिटवाएगा तू हमको? कितना बीमार है, छुपे रहता है। दे रहे हैं। चल। मिट्टी की तरह है। सुधरने वाला नहीं है। भाई तुम चलो। चल बैठ। चलो। चल लो। हाँ, चलो जल्दी। दोबारा दिखाई मत देना। जल्दी स्टार्ट कर, जल्दी। जल्दी चल। अबे तुझे क्या करना है? ए, ए, रुको। अबे, ए, मेरी गाड़ी को भागने दो। जल्दी चल, रुको। रुको, 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 रुको। ए, मोटी भैंस रुक जा। ऑटो, ऑटो, ए, ऑटो रुक जा। ऑटो वाले रुको। ए, चला जल्दी बैठ। अरे आप भी बैठ। अरे जल्दी चल। कहाँ जाना है? अरे उस स्कूटी का पीछा कर भाई। वो स्कूटी के पीछे चलो, जल्दी। अरे भाग रही है मेरा स्कूटर लेके वो मोटी। अरे इस नानसाबी को रोकने के लिए कोई तंजोर में नहीं है क्या? मेरा स्कूटर। किस काम को किसे करना चाहिए इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब हर काम औरत कर सकती है। अरे तू अपनी बकवास बंद कर मेरी माँ। उस स्कूटर वाली का पीछा कर। पीछा करो। चल राजा जल्दी आ, लाइन में लग जा। आ, इसे भी डोज पिलाना। हाँ, 3 साल के। वो बच्ची आपकी है ना? हाँ हाँ मेरी ही है। ये लो पकड़ो। टीवी में देखा होगा, रेडियो पे सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, बच्चों को पोलियो डोज दो, पोलियो डोज दो। पर नहीं, तुम्हें तो देना ही नहीं है। हाँ हाँ बोलो। अगर पोलियो की दवा नहीं पिलाती तो बच्ची अपंग हो सकती थी। जल्दी करिए मैडम। आपने मुझे गाड़ी दी, उसके लिए बहुत थैंक्स। आप अपनी गाड़ी को सर्विसिंग में दे दो, पिकअप ही नहीं है। पिकअप नहीं है? हाँ तो करवा लो ना तुम। ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? मुझे तो नहीं मालूम भाई, चलो मालूम करते। क्यों भाई, वो क्या बच्चा चुराने गई है? जब वो भाग के आएगी तो हम उसका पीछा करेंगे। हैं? छोड़ बे। आज हमें यहाँ से सब्जी ज्यादा वसूलनी पड़ेगी। तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। इतनी सारी सब्जियाँ लेकर जाती कहाँ है? ये ऑटो चलोगे ना? मैडम कहाँ जाना है? हमेशा जहाँ जाते हैं वहीं जाना है। चल ए, चल चल। हाँ हाँ, देखते मोटी कहाँ जाती है, चलो इसके पीछे। चल जल्दी चल। हाँ जल्दी चलो। अरे क्यों भाई, आज पूरे शहर में घुमा दोगे क्या? तू चुपचाप उसके पीछे चलता रहे। नमस्ते बेटी। नमस्ते। आपकी वजह से अनाथ बच्चे हफ्ते में एक दिन सब्जी तो खा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो हम बच्चों के लिए करते हैं, और कल हम फल भी लेकर आएंगे। ये बात आप मार्केट में सबको बता देना। ये लीजिए। वो जो भी करती है अच्छा ही करती है। बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, मैं तो उसको चाहने लगा। क्या है सदा, तंजौर की लड़कियों को भरोसा मत करो। यहाँ पे सिर्फ तबला ही मशहूर नहीं है, यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत मशहूर है। तुझे याद है ना उस मोटे की कैसे धुलाई की थी इन्होंने? अरे आज भी याद करता हूँ तो बदन दुखने लगता है। ए, मुझे वैसा समझाया क्या? अच्छा तो तू कैसा है? ए, तू नहीं मारा ना, तूने बस स्टैंड की जगह पे कब्जा किया, अब तुझे छोड़ेंगे नहीं। ए, मार उसे। उठाई से पागल हो गया क्या? से, क्या ये क्या है यार, दिन दहाड़े लोग किसी को काट देते हैं।
इतनी रात को हम इसे अकेले छोड़ के चले जाएंगे, ये कैसे बचेगा यार? करण तुझे इसे क्या लेना देना? ए, क्या बोल रहा है, ये शहर तो पूरा सड़ गया है। तू जा, पहले जाके पुलिस में कंप्लेंट कर। किसको कंप्लेंट करोगे तुम? किसने मारा, क्यों मारा, कितने सवालों के जवाब दोगे तुम? ए, इतनी आसानी से बात को पलट देते हो, ये सब मैं देख नहीं सकता। करण वो बहुत खतरनाक लोग हैं। तंजौर में ये सब होता ही रहता है सदा। तू पेपर नहीं पढ़ता है क्या? छोड़ इसे और चल। छोड़ इसे, चल यहाँ से। अगर हम होते तो पैसा बैंक में डाल देते। मनहूस मुंह बंद कर, मेरी बात सुन। वहाँ देख रहा है, अगर वहाँ एक फ्री वाला हॉस्पिटल बना जाए तो कैसा रहेगा? एकदम बेकार। क्यों? वहाँ शौचालय बन रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते, जमीन के मालिक है। नमस्ते, कहाँ सेंड करूँ? यहाँ। अरे भाई, तो बहुत जल्दी में लग रहा है, पेटवा पे ही दस्तखत कर देगा। शक कर रहे हो क्या? मैं गरीब बच्चों के लिए फ्री वाला हॉस्पिटल बना रहा हूँ, ये जानकर ये अपनी जमीन को बहुत कम पैसे में दे देगा। जी हाँ, ये बहुत दरिया दिल है, ये अपनी जमीन आपको ही दान करना चाहते हैं। जी हाँ, तंजौर में इस तरह के लैंड ओनर्स भी हैं, ये जानने के बाद मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? वाला इंसान है वो, तो आप हैं ही, नाम बताइए। ये मेरा नाम ही है। अच्छा, ऐसा है तो हॉस्पिटल का नाम आपके नाम पर रख देते हैं। गजबा बराबर है, बराबर बराबर। अबे शक की पैदाइश, मुंह बंद कर अपना। सर, आप जमीन मुझे कितने में देंगे? मार्केट के हिसाब से 50 लाख था, लेकिन आपको जमीन 25 लाख में। जरा मेरी खरीदी हुई जमीन पर नजर डालो। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा जमीन खरीदे हो? मैं तंजौर के लोगों के लिए यहाँ पर एक फ्री का हॉस्पिटल और फ्री का स्कूल बनाऊंगा। हाँ, मेरी जमीन पर लड़ाई कौन कर रहा है? हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, प्लीज प्लीज प्लीज। नमस्कार, मेरा नाम धनंजय है, मैं मलेशिया से आया हूँ। मैंने अभी जमीन खरीद ली है और अपने नाम रजिस्टर भी करवा दिया। अगर आप लोग को लड़ना है तो दूसरी जगह जाइए। हेलो, ये जमीन हमारी है पार्टनर, जमीन का कागज दिखाओ। ये देखो, जमीन का असली कागज है, देखो। डुप्लीकेट कागज है। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं अभी अभी रजिस्ट्रेशन करके आया हूँ, जस्ट नाउ। शो द डॉक्यूमेंट। ये देखो पेपरवा, मैं स्टैंप का स्याही भी नहीं सूखा है। ए हेलो, हमारे कागज की स्याही भी नहीं सूखी है, देख आके फाड़ फाड़ के देख। अबे हट, हमारे पास डुप्लीकेट है क्या? मेरा डुप्लीकेट है। नो 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 नो, स्टॉप फाइटिंग, ओके, गेट आउट, बाहर जाओ, ये मेरी जमीन है। हाँ, गेट आउट बोलता है। बहुत गर्मी दिखा रहे हो क्या? हाँ, मैं भी तंजौर का ही रहने वाला हूँ, तुम तलवार उठाओ तो मैं चुप रहूंगा क्या? हे, लोड क्या हो, पिस्टल जल्दी निकालो। अबे कौन हो तुम लोग, तुम सब मेरी जगह पे क्यों लड़ रहे हो? अगर तुम में से कोई मर गया तो कोर्ट कचहरी कौन चलेगा? चलो निकलो यहाँ से। Well said gentleman, पर आपने अभी भी जो कहा उसमें एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक है, क्योंकि इस लैंड का ओरिजिनल ओनर मैं ही हूँ। बट व्हाइट शर्ट वाले दो चार लोग मुझसे लड़ाई कर रहे हैं, कुछ दंगा फसा टाइप का कर रहे हैं। वो क्या, तुम लोग से बाद में निपटेंगे। अच्छा, आप हैं कौन? मैं कौन हूँ? लाखों रुपए खर्च करके इस जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम पे करवाई है। सारे कागज पत्र लेके आया हूँ, पढ़ ले, पढ़ ले ना, पढ़ना। माय गॉड, सो मेनी पत्रम्स। क्या न्याय, तुमने अपने डॉक्यूमेंट का जेरोक्स करा के सारे तंजौर में बांट दिया है क्या? एक्चुअली जेंटलमैन, सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट ही ओरिजिनल है। अगर इसके बाद तू कुछ भी बोला ना तो सच में तुझे मार के इधर ही गाड़ दूंगा। देखो पुलिस भी आ गई। यार इतनी भीड़ क्यों है? नमस्कार सर, इंडियन पुलिस स्कॉटलैंड पुलिस वालों को भी धूल चढ़ा सकती है, ये आपने साबित कर दिया है सर। अपने लैंड के डिस्प्यूट में आपको कंप्लेन करने के पहले ही आप यहाँ हाजिर हो गई। यू आर समथिंग ग्रेट सर। तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो बताओ? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ये सारे बदमाश एक साथ मिलकर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनवाकर मेरी जमीन को अपनी बताकर हड़पना चाहते हैं, इसलिए आप गन दिखाकर इन सबको यहाँ से भगा दीजिए और मुझे मेरी जमीन दिलवा दीजिए सर। जरूर दिलवाऊंगा। या अच्छा बताओ, यहाँ लैंड ओनर कौन कौन है? लाइन में खड़े हो जाइए, ठीक है? जाओ जाओ सब डुप्लीकेट, जाओ जाओ। तुम जाकर लाइन में क्यों नहीं खड़े हुए? मैं क्यों जाऊं सर? आपको तो सबसे पहले जाकर खड़ा होना चाहिए। ओके सर, मेरी जमीन के भूमि पूजन पर आपको आना पड़ेगा सर। पाएंगे ना सर? जरूर आऊंगा मैं। इंडियन पुलिस पब्लिक की दोस्त है, ऐसा यूं ही नहीं कहते हैं। तुम क्यों नहीं? हमरी थोड़ी है, ओरिजिनल लैंड ओनर तो मैं ही हूं गधो। सावधान, विश्राम, सावधान। लैंड दिलाएंगे बोलकर बैंड मास्टर की तरह परेड क्यों करवा रहा है? ये बोर्ड क्यों लगा रहे हो भाई? ऑडियो मॉक। यस सर। एम, ये एम क्या होता है? एम तो निशाना लगाने में बोलते हैं, ये क्यों बोल रहा है? अरे रे, इनका एम हम है, गोली मारेंगे। बचाओ। क्यों इंस्पेक्टर, मेरी टांग मिली थी गोली मारने के लिए। क्यों बे, जानता है जमीन किसकी है? उधर देख। पैसा क्या,
पुलिस गन फायरिंग ग्राउंड तंजौर। सॉरी सर। क्यों बे, पुलिस ग्राउंड हथियाना चाहता था तू? मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई सर। अभी तो तेरे घुटने पे ही गोली मारी है, उसके बाद घुटने के ऊपर मारूंगा। अरे बाप रे। चल निकल यहाँ से। कानून तो अपना काम करके चला गया, लेकिन साथ में एक न्याय था वो कहाँ चला गया? अरे हम आ गए भैया। आ गए, आ जाओ। क्या करें? मेरी टांग देखो, कितनी बेदर्दी से गोली मारी है उन लोगों ने। अच्छा हुआ पुलिस ग्राउंड खरीदने की कोशिश की, घुटने के नीचे में ही निपट गए। अगर मिलिट्री ग्राउंड खरीदने की कोशिश की होती तो बॉम्ब से ही उड़ा देते। हमरा बात नहीं मानोगे तो यही होगा। अरे यार ये देख, ये तो सदा की आइटम लग रही है। हाँ यार वही लग रही है। डिग्री कॉफी बोर्ड लगाकर आप इतना पानी क्यों डाल रही हैं? डिग्री मुझे पढ़ाई में मिली है, कॉफी में नहीं। यार ये पढ़ी लिखी लड़की चाय की दुकान में क्यों काम कर रही है? रुको मैं सदा को फोन लगा के बुलाता हूँ। ए सदा, तेरी गर्लफ्रेंड फिल्टर कॉफी असिस्टेंट के सामने चाय की दुकान में काम कर रही है। हाँ हाँ ओके। ए सुनना, जब तक वो आता तब तक हम इसे पकाते, चलना अंदर फिल्टर वाली कॉफी पीते हैं। चल चल थोड़ी देर बैठ कर कॉफी का मजा लेते हैं भाई। एसी चालू कर दो मैडम। हाँ चलाती हूँ। एक फिल्टर कॉफी 1/2, अगर पसंद आई तो वन समोर किया जाएगा। बहुत तेज है। अरे अरे अरे, स्ट्रॉन्ग कम है, थोड़ा डिकेशन डालो। अब ठीक है? यार कड़वी लग रही है, थोड़ा शक्कर डालो ना। लो डाल दी। हमें क्या डायबिटीज से मारना चाहती हो? थोड़ा दूध डालो इसमें मैडम। अब देखना। लो डाल दिया। दूध बहुत ज्यादा है, थोड़ा टिकासन डालो ना। तू भी कम नहीं है। अरे कमाल मैं नहीं, कमाल वो कर। अब ठीक है? यार ये 1/2 नहीं है, ये 2/1 है। क्या बोलता तू, और मंगवाऊ क्या? सही बोल रहा है। अच्छा बिल कितना हुआ? 4 रुपए। ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो 5 रुपए। कोई बात नहीं, तुम 1 रुपए और दो, मैं 2 रुपए वापस कर देती हूँ। मेरे पास 2 रुपए है मैडम। 3 रुपए दे दूंगी। आपके पास 1 रुपए है क्या? ये लो। सर ये लीजिए आपका 1 रुपया। मैंने 2 रुपए दिए थे ना। आपके पास 2 रुपए होंगे ना? हाँ है, देता हूँ। सर ये लीजिए आपके 2 रुपए। और मेरे 2 रुपए? क्यों, हिसाब बराबर हुआ ना? अरे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है यार। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पहले 5 रुपया, हाँ। फिर 2 रुपया, फिर 1 रुपया, हमने 2 कॉफी पी उसके हिसाब से उसने 8 रुपए ले लिए। करण की जोड़े इसके साथ बिल्कुल जमेगी। हाय सदा। हाय। अब एक 3-in-1 कॉफी बनाऊं क्या? चला आजा। डॉक्टर के पास गई थी, बहुत सी दवाइयां दी है, इसका सारा बदन जल गया था। इसकी दुकान संभालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर दोबारा तुमने दारू पीने के लिए बहन के गहने बेचे ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ चलो काम पे लग जाओ। और डांट इसको, चल। बेवकूफ कहीं का, शक्ल देखना बंद कर, अपना धंधा संभाल, चल। ए सदा, आना। तेरी सटक गई है क्या? अरे आना। क्या यार, क्या वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं? जरा पीछे मुड़कर तो देख। वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। अबे तू ये क्यों कर रहा है यार? जहाँ खूबसूरत लड़की देख ही नहीं तब पीछा करना शुरू कर देते हैं ये लोग। अभी इनको मजा चखाती हूँ। कहाँ गायब हो गई? अरे बाप रे, चलो वापस चलते हैं। यार अरे कहाँ गई यार? अरे वो कहाँ गायब हो गई? अरे गली में तो नहीं जा सकती वो। हेलो। अरे जम्बूरानी पीछे कैसे आ गई? तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या इंश्योरेंस बेचने वाले हो क्या? मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं खुल्लम खुल्ला बात करता हूँ। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। हेलो, क्या ये सब बीच रास्ते में खड़े रहकर मुझसे कह रहे हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? मैंने पहले यहाँ कभी तुम्हें देखा नहीं। ए, सुनो मैडम, आप यहाँ की फिल्टर कॉफी है, ये मलेशिया से आया है। अच्छा तो तुम लोग वो पार्टी हो, तुम लोग शहर की खूबसूरत लड़कियों का पीछा करते हो। तुम लोग झूठ बोलकर लड़कियों का बहला फुसला कर उठा ले जाते हो और फिर फॉरन ले जाकर गलत गलत फोटो निकालते हो और इंटरनेट पे डालते हो, उसी गैंग के हो ना तुम लोग और हमारा पीछा कर रहे हो। क्या मस्त सोच रही हो, तुम्हारी शक्ल इंटरनेट पे देख के लोग भाग जाएंगे।
ए, मेरी बात सुनो, कम से कम एक पढ़े लिखे इंसान की तरह बात कीजिए। देखिए मैं बोलता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। तुम किसी एंगल से पढ़े लिखे लगते नहीं हो। साइकिल बेचने वाले, शराब बेचने वाले, सैलून में काम करने वालों जैसी तो तुम्हारी शक्ल है। यार करण, ये तो तेरी बेइज्जती कर रही है। मैं कुछ बोलूं क्या? तू चुप बैठेगा? देखिए मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं पला बढ़ा इसी तंजौर में ही हूँ। इसके घर में रहकर मैं कॉलेज में पढ़ता था और अब मैं मलेशिया में रहता हूँ। तुम यहाँ पैदा हुए हो ना, तो निवास प्रमाण पत्र, रेशन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, ये सब कुछ लेकर आओ, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी। हाँ सदा, सर्टिफिकेट दे देंगे, प्यार हासिल कर लेंगे, मोटी की हवा निकाल देंगे। ये बदन मेरा
आज ये बदन मेरा जल रहा पानी भी जला आज। काहे मनी दौड़ा काहे रहे हो, गाड़ी से भी तो जा सकते हैं। इडियट, मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। सिर्फ गांव में ही ऐसी शुद्ध हवा मिलती है, तुम गधे लोगे क्या जानो। मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा 2 किलो वजन कम हो गया है। तुम्हारा 2 किलो वजन ऐसे ही कम नहीं हुआ है, इसके राउंड में 2 किलो सोना तो छोड़ आया हो। अच्छा? यही से कम लग रहा है। वो एक बहुत बड़ी गलती थी, कागज असली नहीं थे ना, इसीलिए गड़बड़ हुआ। आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, जानकारी कोई भी जमीन खरीदूंगा। अरे भैया, ये जो पैसा पेटी में बचा है बैंक में डाल देते हैं, नहीं तो पहले की तरह बर्बाद हो जाओगे। मुझे सब मालूम है। ओह गॉड, अरे बाप रे, यहाँ देखो तुम्हारे गांव में जंगल मैन ने एंट्री मारी है, 6-पैक बॉडी बना के आया है। अरे गांव का किसान है। ऐसा क्या, हम सब लोगों को खाना यही खिलाता है क्या? नमस्कार किसान भाई साहब। भाई अच्छा बताओ, तुम इस तरह दौड़ क्यों रहे हो? अगर मैं ऐसे ही दौड़ता रहूंगा तो मुझे ढेर सारा पसीना आएगा। ऐसे क्या, मेरा बेला में 20 एकड़ का खेत है, तुम वहाँ जाओगे तो बहुत पसीना आएगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं बहुत सारी जमीन खरीदने वाला हूँ और मैं उसी में दौड़ूंगा। बाय। टीवी पे इस तरह के कपड़े पहन के चलो तो सारे लोग देखते हैं, लेकिन इस गरीब को कोई नहीं देख रहा। अरे हुआ ग्लैमर है, फार्मर है। ऐसा क्या, चलो दौड़ते हैं। नमस्ते भैया। नहीं भैया नमस्ते, ये जमीन का दलाल है। अच्छा ये है। अरे कहाँ जाता भाई? पास में 50 एकड़ जमीन है, जमीन का मालिक उसे कम भाव में बेच रहा है, उसे पैसे की बहुत जरूरत है। भाई मैंने सुना तुम्हारे पास अच्छी पार्टी है, तुम्हें कमीशन भी दूंगा। क्यों भाई, ये 50 एकड़ कह रहा है क्या? कम भाव में बेचने के लिए कह रहा है, उस जमीन का है पता करो। भैया सस्तम जमीन बेच रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, हमार बात मानो ना तो फंस जाओगे। क्यों भाई, एक ने धोखा दिया तो क्या सब लोग धोखा देंगे? इसका मुंह देख, ये तो शक्ल से ही शरीफ लग रहा है, इस पर भरोसा करना चाहिए। अच्छा तुम्हारी जमीन किस तरफ है? इस तरफ है क्या? नहीं उस तरफ। इस तरफ है क्या? इस तरफ है क्या? अब उस तरफ। चलो चलो चलो, 2 किलोमीटर दूर चल के आ गए फिर भी जमीन नहीं दिख रही है। सर सर शॉर्टकट से चलते हैं। शॉर्टकट है कहाँ से? यहाँ से। अच्छा अरे लग सर, आराम से आगे बढ़ा है। सर लूंगी बांध के। अरे इसमें तो पार कर लिया। मान जाओ भैया मान जाओ, बस बंद कर, तो जमीन देखेंगे। अरे उठा 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 भैया, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। अरे चुप रहे इलिया, जब पहली बार म्यूजिक बना रहा था तो अचानक से बिजली चली गई थी, उसने म्यूजिक बनाना बंद कर दिया क्या? आज देखो कितना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बन गया है। चलो सर अभी बहुत दूर जा रहा है, जल्दी चलिए। लगता है हम पहुंच गए। आइए जल्दी आइए, जल्दी के ही पास है। सर सर जल्दी आइए, यहाँ से नीचे उतर के पाए मुड़ेंगे तो लैंड आ जाएगा। आइए 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 जल्दी आइए। इसकी जमीन उबड़ खाबड़ है, इसलिए कम पैसे में दे रहा है। भैया सड़क वड़क यहाँ है नहीं, काहे जमीन खरीद रहे हो? इसीलिए तो कम पैसे में मिल रही है। पहले हम इसकी जमीन खरीदेंगे और फिर उस पर शानदार रोड बनाएंगे, गरीब बच्चों के लिए वहाँ पर एक स्कूल भी बनाएंगे। आगे से दाई मुंडे को कहा था। अरे क्या हुआ भैया, क्या हुआ? संभल कर चलो, क्यों कहते हैं आज मुझे मालूम चल गया। अरे उठो भैया, उठो, आवाज कर रही है। अरे भैया रास्ता उधर है, ये कहाँ गिर रहे हो? अच्छा रास्ता उधर है, मैंने देखा ही नहीं था भाई। सर आप ये क्या खेल खेल रहे हैं, चलिए मेरे साथ चलिए। खेल खेल रहा हूँ, चलिए। ये तो मेरी इज्जत ही उतार रहा है। सर सर जमीन बहुत पास है, जल्दी आइए जल्दी आइए। यहाँ पर पागल कुत्ता है क्या? वो तो बहुत डेंजर होता है। कूद कूद के आइए, जल्दी चलो भैया, ये तो बहुत काट लेगा। अरे बाप रे, अरे क्या हुआ, क्या हुआ भैया? भैया बार बार काहे लुढ़क रहे हो? अबे सर्कस दिखा रहा हूँ साले। मम्मी पापा दादाजी कहाँ है, आप लोग मदद कीजिए। वो रहा वो रहा। अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, 50 एकड़ का लैंड है, जल्दी चलिए 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 आइए। अरे बाप रे 50 एकड़ का लैंड है, हमें जल्दी चलना चाहिए। आराम से चलो, हड्डी हड्डी टूट जाएगी भैया। उस तरफ नहीं, इस तरफ बॉडी टर्न करो। आइए आइए सर, आइए 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 सर, क्या कर रहे हैं, जल्दी आइए आइए। ये लैंड ओनर है सर। नमस्ते सर, आप लैंड ओनर है? आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम सर। पुरुषोत्तम जमीन कहाँ है? आप इस मेड़ को चढ़ के पार करेंगे तो लैंड आ जाएगा, मेरे साथ आइए सर, चढ़ के जमीन दिखाता हूँ। यहाँ कैसे चढ़ेंगे, ये तो पहाड़ है पहाड़। एक काम करते हैं, ये आपकी जमीन है? हाँ मेरी है, मैं खरीद लेता हूँ। पहले जमीन के डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर लेते हैं, बाद में आकर जमीन देखेंगे। अभी पहले घर जाकर अपने पंचर बदन पर टिंचर लगाता हूँ, कल रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर आकर जमीन देखेंगे। थैंक यू सर, अभी चलता हूँ। मम्मी पापा दादाजी, मैंने ढेर सारा खून पसीना बहाया तभी सस्ते में जमीन खरीदी, पूरे 50 एकड़ है भाई। हाँ भैया हमारी जमीन, यह तालाब कैसे आ गया? हाँ भैया हुआ, बोर्डवा भी लगा है। कौन सा बोर्ड? वो देखो, ये PWD डिपार्टमेंट की ओर से तालाब की जमीन है, इसको पीने के पानी के लिए सुरक्षित किया गया है, तंजौर कॉर्पोरेशन। अरे बाप रे, इस तालाब को उसने मुझे बेच दिया। चढ़कर देखो कहा था, मैंने नहीं सुना, उसने ये सरकार का तालाब मुझे बेच दिया, मैं क्या करूं?
सरकार का तालाब बेचकर उसने मुझे धोखा दिया है। पहले हमारी बात नहीं माने ना, अब होगा। देखा सदा को प्रेमिका को कैसे सैल्यूट कर रहा है। क्या है? मैं अपने सारे सर्टिफिकेट्स इसमें ले आया हूँ, ये दीजिए, पैन कार्ड और पासपोर्ट भी है। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ पेपर कम पड़ गए हैं क्या? मैंने आपको ये सब अवॉइड करने के लिए कहा था, मुझे लगा आप ये बातें सुन के फौरन चले जाएंगे। मैंने तो मजाक किया था, लेकिन आपने तो ये सीरियसली ले लिया। आपके लिए ये सब मजाक होगा, लेकिन मैं सीरियस हूँ। देखिए मिस्टर, मेरे शादी का फैसला मेरे माँ बाप ही ले सकते हैं, और उन्होंने जो लड़का ढूंढा है वो मुझे आज देखने के लिए आ रहा है। इसीलिए मेरा पीछा छोड़ दो और मेरा ख्याल अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दो। दो मुझे। मैं आपकी शादी होने तक इंतजार करूंगा। मेरे बिना लड़की देखने गया? क्या उखाड़ लिया, टाटा कर दिया ना? बड़े आदमी की सलाह के बिना कुछ नहीं करना चाहिए। ए, वो तो पहले से अपसेट है, फिर तू उसका मूड खराब क्यों कर रहा है? सदा, माँ की खुशी के लिए लड़की देख लेना, इसी लड़की को देखने के लिए माँ ने तुझे यहाँ बुलाया है। तू मना करेगा तो माँ को बहुत दुख होगा। जाना, दिमाग खराब कर रहा है। अरे यार तू चिंता मत कर, लड़की के घर वालों को खुद मना करने पे मजबूर कर देंगे। मैं दूल्हा बन के चलता हूँ, वहाँ चल के तू मेरा नाटक देखना, शो हिट हो जाएगा, तेरी बात बन जाएगी। उसके बाद तेरे दिल की बात अपनी माँ से कह देंगे, माँ तुम दोनों प्यार करने वालों को मिलवा देगी। ऐसा क्या? सब लोग तैयार हो गए, अब चले क्या? सदा तू इतना उदास क्यों दिख रहा है? तू जैसा चाहता है वैसी ही लड़की है, तेरी माँ तेरा बुरा थोड़ी चाहेगी। दामाद जी, आने में बहुत देर हो गई। अरे देर हो गई तो क्या हाथ हो गए, ऑटो का पैसा दे दो। दामाद जी, मैंने तो सोचा था कि आप सभी लोग BMW से आएंगे, लेकिन आप तो शेयरिंग ऑटो से आ रहे हैं। हम लोग कार से आ रहे थे, रास्ते में कार पंचर हो गई। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसने किराए का ऑटो भेज दिया। अरे तुम्हें कार से शादी करनी है, मुझसे पहले लड़की दिखाओ। चलिए चलिए, आइए आइए, अंदर आइए। अरे हम आ तो गए, क्या आवाज़ कर रहे हो? बहुत छोटा घर है, किराए का घर है क्या? घर तो बहुत छोटा है आपका, भाड़े का घर है क्या? अरे रे रे, ये तो हमारा खुद का घर है, लोन पर थोड़े ना लिया है। लोन नहीं भरने की वजह से घर जब्त कर लिया था, ये वही घर है क्या? मुझे पता चला। अरे रे रे, वो घर मेरा नहीं है, वो पड़ोसी का घर है। अच्छा, हाय। ये मेरी धर्म पत्नी है। हाय मॉम। बेटी को जल्दी लेकर आओ। आइए आप भी बैठिए, आइए। लुंगी ऊपर कर लूं क्या? इधर बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। ये तो मेरी बदनसीबी, क्या करें? क्या हुआ? अरे तुम्हारी लाडली बेटी नीचे क्यों नहीं आई? अरे तैयार हो रही है ना। अच्छा सुनो, अरे मिठाई विठाई लेकर आनी चाहिए, सिर्फ चाय लेकर क्यों जा रही हो? इन घटिया लोगों के लिए इतना काफी है। माँ, अब तक लड़की नहीं आई? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या गुजर कर रहे हो, जल्दी लड़की भेजो। तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? पापा, क्या ये पागल मेरी बहन को देखने के लिए आया है? ब्रोकर ने कहा था कि दूल्हा तो बहुत अच्छा है। पापा, आप अपने चश्मे का नंबर बदलवा लो, ये अच्छा नहीं नल्ला दूल्हा है। कल तक तो सही था। सदा, धरती हिल रही है, भूकंप आया क्या? भूकंप का झटका नहीं है, इस मोटी का झटका है। सदा, ये तो चाय की दुकान वाली लड़की है, इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या माँ, इसे दिखाने के लिए तूने सदा को मलेशिया से बुलवाया था? पर पंडित ने कहा था लड़की खूबसूरत है। अरे खूबसूरत लड़की नहीं कहा होगा, मोटी लड़की कहा होगा। लगता है तुम्हारी सुनने की शक्ति कम हो गई है। मेरा दोस्त फॉरेन में 1,00,000 रुपए कमाता है, और तुम उसे चाय के साथ बिस्किट भी नहीं दे सकती? हेलो, घर में जो कुछ है ना वही देंगे। फॉरेन से आए हो इसका मतलब ये नहीं कि सैंडविच खिलाएंगे तुम्हें। लड़की देखने के लिए शेर ऑटो में आए हो? तुझे देखने के लिए टाटा के ट्रक में आना चाहिए था। तू चुप कर माँ, ये क्या भिजवाया है, इसमें सिर्फ कुत्ता ही खा सकता है। अगर ऐसा है तो खुद के मुंह में डाल ले। नहीं तो क्या, हर महीने 10-12 लोग आ जाते हैं। अरे जो चाहोगे वो देने के लिए हमने होटल खोल रखी है क्या? होटल में खाने के लिए आ जाते हैं? आजकल लड़की देखने के लिए सारा परिवार एक साथ बस में बैठ कर आता है। बहुत भूख लगे है तो महालक्ष्मी टिफिन सेंटर जाओ, वहाँ पे मस्त और लज्जतदार इडली मिलेंगी। वहाँ पर जाना, जी भर के इडली खा लेना, फिर यहाँ आ जाना लड़की देखने के लिए, समझ गए? माँ इनको बता रही हूँ। दुकान में इडली खाऊंगा तो तेरी तरह मोटा हो जाऊंगा।
यहाँ क्या चल रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये मोटी तो बड़ी खतरनाक है यार। हेलो हेलो, खुद इतना मोटा और मुझे मोटा बोलता है? मोटा कहीं तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, बेइज्जती तो मत करो। आपको इज्जत देने वाली लड़की चाहिए तो आप स्मशान घाट चले जाओ, वहाँ जरूर मिल जाएगी। अरे आपकी बेटी कैसे बातें कर रही है? तो क्या आप सही बात कर रही है? घर में घुसते ही कह रही है कि घर बहुत छोटा है। मैं क्या इनकी रखेल लगती हूँ क्या? और मैं रखेल की बेटी हूँ क्या? मैं तुम लोगों को नहीं छोडूंगी। आप गलत समझ रही हैं। तू क्या समाधान करना चाहता है? माँ मुझे लड़की पसंद नहीं, चलो यहाँ से। तो फिर अभी तक यहाँ खड़ा क्यों है? आंटी अब शांत रहिए। अगर ये मेरा पति बना ना तो मैं सुहागरात के दिन इसकी चाय में जहर मिलाकर इसको पिला दूंगी। अगर तू मेरी पत्नी बनी ना तो मैं खुशी खुशी ये जहर पी जाऊंगा। कैसी चाय बनाई है? इसमें नमक नहीं, मिर्ची नहीं, कितना घटिया परिवार है। अरे रे, तुम लोग चाय में नमक मिर्च डाल के पीते हो? और फिर चेहरी तो अरे क्या कर रहे हो? मोटी जी सर, ए मोटी जी, क्या मान जा। ए वो देखना, अरे ये तो वही है। वो आ गई सदा। पंडित ने जो कहा था लड़की ये है। माँ मैंने जो कहा था ना, ये लड़का वही है। मैं भी इन्हें बहुत पसंद करती हूँ, आप प्लीज मना मत करना माँ। ये तो इसी का घर है। ठीक है, शांत हो जा। बैठ बैठ, मैं इनकी बेटी हूँ और ये लड़की मेरी फ्रेंड है। ससुर जी, एक छोटी सी गलती हो गई। दूल्हा मैं हूँ, ये पागल तो मेरा दोस्त है। क्या कहा तुमने? ये नकली दामाद है और असली दामाद तुम हो। हाँ। वो सब छोड़ो, आप भी इस मोटी को अपनी बेटी बना रहे थे ना? ये रिश्ता मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। This is a fraud family. I don't care. You get out from my home. देखा माँ, ये कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं और कितना अच्छा परिवार है, इन्हें समधी बना लो ना। नहीं बेटा, मैं भी कुछ सोच कर आई थी लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। चलो यहाँ से। माँ माँ प्लीज, माँ प्लीज, माँ पागल। माँ प्लीज, माँ मैं इसे प्यार करता हूँ प्लीज। वो प्यार करने वाली यही लड़की है। प्लीज माँ, प्लीज माँ। माँ 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 माँ, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मान जाओ ना। ये दोनों के डायलॉग रिपीट कैसे हो रहे हैं? प्लीज माँ, आप लोग बिना बोले जा रहे हैं। अगर आप मेरी बेटी को बहू बनाकर उसको आशीर्वाद देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब मैं क्या कहूँ, कुछ भी तो नहीं रहा। आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद आई। लगता है जोड़ी जम गई है। मुझे दामाद मिल गया। यहाँ तो वर्धान सर का एड्रेस मिल जाएगा है ना? हाँ जरूर मिल जाएगा। शंभू, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की फाइल उठा कर लाओ जरा। लाता हूँ साहब। नमस्ते सर। नमस्ते, मेरा नाम सदा है। यहाँ वरदान नाम के टीचर पढ़ाते थे, बेस्ट टीचर का उन्हें अवार्ड मिला था, अब वो रिटायर हो गए हैं। मुझे उनसे मिलना है, उनका एड्रेस चाहिए। मेरी शादी होने वाली है, उन्हें न्योता देना चाहता हूँ। बहुत जगह वरदान राज त्रिचूल के हायर सेकेंडरी स्कूल से रिटायर्ड हुए। आप स्कूल से पूछताछ कर सकते हैं, वो महीने में एक बार तो आते ही हैं अपनी पेंशन लेने के लिए। ठीक है सर। मैं एग्जाम के मार्क्स बता रहा हूँ, एक एक कर, सभी अपने सप्लीमेंट ले जाएं। सुधीर। यस सर। 80 मार्क, अगली परीक्षा में और मेहनत करो। ठीक है सर। जाओ बैठो। सदा, सिर्फ 30 मार्क? ए क्यों हंस रहे हो? इस क्लास में 40 विद्यार्थी हैं और ये सब के सब अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, इनमें सिर्फ तुम ही फेल हुए हो। किसी के पास स्केल है? मेरे पास है सर। यहाँ लाओ, इधर आओ। शायद मैं तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ा नहीं पा रहा हूं, हाथ आगे बढ़ाओ। मुझे मारो, चलो मारो। टीचर की बात नहीं मानोगे? नहीं मार सकता। मारो जल्दी सर। अब मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा सर, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा। अंकल, आज तुझे पगार नहीं मिलेगी, चल निकल। मैं पापा के लिए काम करने आया हूँ, हमेशा की तरह उन्हें एक क्वार्टर दे दीजिए। क्वार्टर ही तेरी पगार है ना, जा वहाँ बोतलों में से क्वार्टर इकट्ठा कर ले, चल निकल यहाँ से। आ जाता है रोज रोज।
बेटा आज तू जो शराब लेकर आया ना इसका तो जवाब ही नहीं। पापा मेरे सर आए हैं, उठो जल्दी उठो ना। पढ़ाई करने वाले बच्चों को शराब की दुकान में भेजते हो, तुम्हारा दिमाग तो सही है? मेरी औरत मर गई, बहुत दुखी हूँ सर। मेरी भी औरत मर चुकी है, तो क्या मैं तुम्हारी तरह दारू पीते बैठूं? मेरे क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ यही फेल हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये शराब के दुकान में ही काम करेगा। बाप को तो बेटे को अच्छी राह दिखानी चाहिए। एक दिन तुम दारू पी पी के मर जाओगे, तब इसका क्या होगा? अनाथ हो जाएगा ये, और तुम्हारे मौत के दुख से ये भी शराब पीने लग जाएगा। आखिर तुम क्या चाहते हो, ये गुंडा या लफंगा कहला है? सर ऐसा नहीं होगा सर, ये शराब नहीं बनेगा सर, मैं इसी के लिए जी रहा हूँ। मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, मेरे लड़के को अच्छी तरह से पढ़ाइए सर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। नमस्ते सर। नमस्ते, आप कौन? मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, आप ही के आशीर्वाद से आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ। आपका चेकअप करने आया हूँ सर। सांस अंदर खींचिए, अब बाहर छोड़िए, जरा पीछे मुड़िए, अब फिर से सांस लीजिए, अब सांस छोड़िए। आप बिल्कुल नॉर्मल हैं सर। तिरुवरु मेडिकल हॉस्पिटल में मैं कल से सर्जन की पोस्ट में ज्वाइन होने वाला हूं सर। सबसे पहले मैं आपका चेकअप करना चाहता था, इसीलिए चला आया। वेरी गुड, इसी तरह लोगों की सेवा करते रहो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सब बैठ जाओ। आज से आपका सालाना एग्जाम शुरू होने वाला है। अच्छा मुझे बताओ, आप सबकी तैयारी हो चुकी है ना? हाँ सर, हो गई है। सुनो महेश, सदा कहाँ है? सर उसके पापा मर गए, इसलिए वो आज एग्जाम में नहीं आएगा। सदा, अगर आज तुमने एग्जाम नहीं दिया तो तुम्हारा एक साल बर्बाद हो जाएगा। कब ले जाएंगे इन्हें? दोपहर के बाद ले जाएंगे, अभी पैसों का इंतजाम करना है। तब तक मैं इसकी परीक्षा दिलवा के इसे लेकर आता हूँ। ठीक है सर। ये रखिए और सारा बंदोबस्त कीजिए। ठीक है सर। नहीं बेटा, तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, तुम सिर्फ पढ़ो। अगर तुम्हारे साथ माता पिता नहीं है तो क्या हुआ, अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर दो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो। Come on!
चलिए 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 अंदर चलिए हॉस्पिटल चलो। छोटा सा घाव है, चिंता की जरूरत नहीं, कुछ दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरे सर, मुझे पहचाना नहीं, मैं सदा। सदा तुम कैसे हो बेटा? मैं बहुत खुश हूँ। मैं काम के सिलसिले में मलेशिया चला गया था, आपको चिट्ठी लिखी थी लेकिन वापस आ गई। आपका एड्रेस ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला। तंजौर में आने के बाद मैं और मेरे सारे दोस्तों ने आपको ढूंढा, तब आप मिले। लेकिन आपको ऐसे बुरे हाल में देखूंगा ये कभी सोचा नहीं था। गुंडों के साथ आपका क्या लेना देना है सर? हमारे स्कूल का ताला तोड़कर ये सब लोग अंदर घुस गए और शराब पीने लग गए, और तो और स्कूल में बच्चों का रखा हुआ खाना भी ये खाने लगे। मुझे गुस्सा आया, मैंने इनसे पूछा कि शिक्षा की जगह पर तुम ये क्या कर रहे हो। बस यही हुआ और वो सब मेरे पीछे पड़ गए। उनको छोड़ना नहीं चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए। नहीं बेटा नहीं। आई एम वेरी सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की मगर बचा नहीं पाया। आई एम सॉरी। पांच करोड़ जमीन का मालिक तो 2 करोड़ बोल रहा है बॉस। क्योंकि ये डीलिंग बॉस करवा रहा है। 3 करोड़ में तो मैं ले लूंगा। मुझे बताए बिना जिसने 4 करोड़ की डीलिंग की थी वो जिंदा नहीं है। उस ब्रोकर की तरह तुम हमको मार दोगे? धमकी दे रहे हो तुम हमको? हैं? तेरे बिना भी डीलिंग कर सकता हूँ बॉस। तो जा, जाकर डील खत्म कर। यहाँ क्यों बैठा है? हा? उसके पीछे गुंडे मवालियों की ताकत है और मेरे साथ राजनीति की ताकत है, यही सब जान के आया ना तू? क्यों, ये बात तो तू भी जानता है कि उस जगह पर हम लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। तुम लोग बॉस के बिना डील खत्म करके देखो, अंजाम बुरा होगा, याद रखना। पूरे तंजौर में सिर्फ बॉस की ही नहीं चलती है, मिश्रा है, मंजुनाथ है और अल्ताफ भी है, ये लोग थोड़े ना छोड़ेंगे। मैं अगर चाहूँ ना तो ऐसे 10 बॉस खड़ा कर सकता हूँ। हम सिर्फ 5 करोड़ दे, अब रेट 6 करोड़ है। डॉक्टर घूर के जा रहा है, अब वो वापस नहीं आएगा। अब रेट 7 करोड़ है। जमीन बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है और तुम भाव बढ़ाते जा रहे हो? हेलो भाई, झगड़े में शेखर मारा गया। शेखर को मारने वाला जिंदा नहीं बचना चाहिए। चलिए सर। ए सदा, वो एक्सीडेंट वाला बंदा मर गया। सदा जल्दी चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ए सर को जरा संभाल कर लेके जाना, मैं अभी आता हूँ। ए तू कहाँ जा रहा है? जो मरा उसके घर पर है? इसके पिताजी? मैं ही हूँ। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आपका बेटा और कुछ गुंडे रोड पर मेरे सर का पीछा कर रहे थे। मेरे सर ने मुझे शिक्षा दी, मुझे काबिल बनाया। वो बुजुर्ग आदमी है, ये सोचे बिना आपके बेटे ने उनके सर पर मार दिया, ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने गुस्से से इसका पीछा किया। लेकिन सामने से बस आ रही थी, इसकी मौत का कारण मैं हूँ, यह सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसलिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दिया, निकल जाओ यहाँ से। आपके बेटे की मौत? उसकी मौत का कारण तुम नहीं हो। जब से वो तलवार लेकर गुंडों के साथ घूमने लगा तभी मैं समझ गया कि उसकी मौत ऐसी होने वाली है। अगर वो ऐसे नहीं मरता तो एक न एक दिन पुलिस की गोली से मारा जाता। एक्सीडेंट में मरा तो समझ लो मेरी इज्जत बच गई, अगर पुलिस की गोली से उसकी मौत हुई होती तो मेरा समाज में जीना मुश्किल हो जाता। अपना गुनाह कबूल करके जो तुम माफी मांगने आए हो ना, इस दुनिया में तुमसे भला आदमी कोई नहीं हो सकता।
यहाँ पर तो लोग मार कर भी माफी नहीं मांगते। अब तुम यहाँ मत रुको, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। चले जाओ यहाँ से। अरे तू यह क्या कर रहा है? चल जल्दी कर, चल निकल यहाँ से। जाओ बेटा। अरे अभी तक नहीं पकड़ पाए? तुम सब बेकार के हो। छी, भाई ये रास्ता सीधे एयरपोर्ट को जाता है ना? एयरपोर्ट ना? तुम तो खेत के किसान भाई थे ना, उस दिन खेत में लंगोट पहन के हल चला रहे थे ना। हाँ। तुम्हारे पास एक कोट पैंट और गाड़ी कहाँ से आई भाई? भाई तुम्हें पता नहीं, मेरे पास 20 एकड़ खेत था। हाँ। मैंने वो खेत आईटी कंपनी वाले को बेच दिया, अच्छे पैसे मिले। उन्ही पैसों से मैंने ये कोट पैंट खरीद लिया। अरे कमीने, फसल वाले खेत को तूने कंप्यूटर कंपनी को बेच दिया? और क्या, अपनी औकात भूल गया क्या? किसने कहा औकात भूल गया? ऊपर कोट है, नीचे लंगोट है, ये देख आगे फाड़ के। अरे लंगोट धोता नहीं है क्या? नहीं धोता। चल जा यहाँ से। जा रहा हूँ। खेत का एक गरीब किसान एरोप्लेन में जा रहा है, ये खुशी की बात है। कमाल है ऊपर वाले। सू यू भाई, खेत में अगर सब लोग बिल्डिंग बनाने लगे तो खेती बाड़ी चांद पे करनी पड़ेगी भाई। धनी भैया, लेट हो रहा, सब इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, ऑटो से चलेंगे। फॉरेन से कार में महाराजा की तरह आए थे, अब ऑटो में जाके नाक कटेंगे का? अब तुम इस सब की चिंता मत करो। अभी हम जो जमीन देखने जा रहे हैं वो बहुत सुरक्षित जमीन है। कैसे सुरक्षित है? सुरक्षित है मतलब चारों तरफ तार से घेरा है, डॉक्यूमेंट भी बराबर है, कोई लफड़ा नहीं है। हम एक बार फिर से कह रहे हैं, बचा हुआ पैसा बैंकों में डाल दो। नहीं, बैंक में डालेंगे तो उतना ही रहेगा, जमीन में डालेंगे तो बढ़ता ही रहेगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ब्रोकर वहाँ इंतजार कर रहा है, ओनर भी बस पहुँचने वाला होगा। चल चल जल्दी, चलो चलो जल्दी कर, जल्दी चलो रे। वो बचा नहीं चाहिए, जल्दी बैठो, पीछे बैठो, चलो जल्दी बैठो। आज दारू पीने में बहुत मजा आ गया भाई, आज मेहनत की भी है ना इसलिए। हाँ बोलो भाई। ए, उसे पकड़ा कि नहीं? भाई टेंशन मत लो, वो चाहे कहीं भी छुप जाए हम उसे ढूंढ लेंगे। लगता है भाई बहुत टेंशन में, पता नहीं कहाँ होगा साला। वो शेखर के घर पे आया था लेकिन साला बच गया। ए, वो तंजौर से भाग गया। ए, मुझे लगता है मैंने उसके दोस्त को कहीं देखा है। ए, हाँ? रामनाथ हॉस्पिटल के पास जो जीरोस की दुकान है ना, मैंने उसे वही देखा था। मुझे नहीं पता। ए, तू बोल रहा है कि नहीं बे? ए, ये सीधी तरह नहीं बताएगा, हाथ पैर तोड़ दो साले के। ए, अगर मुझे छुआ ना सदा तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। ए, वो छोड़ेगा नहीं मुझे। ए, क्या कर लेगा वो मेरा हाथ काट देगा, तेरी जात का। ए, हम सब लोग उसे ढूंढ रहे थे ना, अब वो हम सबको ढूंढेगा। चलो यहाँ से चलो। तू इतना टेंशन में क्यों है? टेंशन नहीं लूं तो क्या चुप रहूं? पंगा मेरे साथ है और विजय पे वार कर दिया। यहाँ ये सब होता ही रहता है यार। गुंडागर्दी वहां गली में हो रही है, बाजू वाले घर में हो रही है, हमें क्या करना है? देख लिया ना आज हम भी फंस गए। कौन है, कौन है वो बता। बस वही है इन सब का कारण, इसके ऊपर भी उसी के आदमी ने वार किया, गुना रवि राजा। उसकी गाड़ी का नंबर जानना चाहते हो? TN 497677। सो बोस के लोग गुना रवि राजा 7677 से आए और आपके दोस्त पर हमला किया, यही ना? जी हाँ सर। मैं देख लूंगा, तुम लोग निकलो। यहाँ भी शुरू हो गया। पुलिस स्टेशन में डेकोरेशन हो गया है, पर पुलिस वैसे की वैसी ही है। अब क्या तुमने सोचा कि तुम कंप्लेंट करोगे तो वो अरेस्ट हो जाएगा?
तुम गांधी की तस्वीर को सीधी कर सकते हो, खाकी वर्दी को नहीं कर सकते। अभी वो इंस्पेक्टर बोस को फोन करके सब बता देगा। समाज, राजनीति, व्यापार, हर जगह वो खून बहा रहा है। इस पूरे तंजौर को उस अकेले बोस ने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। उसकी गैंग के लोग हर जगह खून बहाते हैं। वो कितनी भी बड़ी गैंग हो, लेकिन उनसे बड़ी हमारे गांव की परंपरा है। उसके चार पांच लुच्चे लफंगे हमें मिटाने की कोशिश करें तो हम चुपचाप देख नहीं सकते। उन्होंने सर को मारा, विजय पे वार किया, ये सब देखकर भी चुप रहोगे? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कानूनी तरीके से उनको सजा दिलाने के लिए आज मैं पुलिस स्टेशन आया था। इन लोगों को एक्शन लेनी होगी, अगर नहीं ले तो मैं लूंगा। और कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। क्या बे, क्या ये पता पार्सल है? कल काम हो जाना चाहिए। ए चल निकल अब। क्या है बे? भाई कुरियर है भाई, हैंडल विद केयर लिखा है। हाँ? चल यहीं खोल के दिखा। ए क्या हो गया? हाथ है भाई। दोस्त बताया तू बहुत चालाक है, और मुझे पकड़ने के लिए तूने मेरे दोस्त पर वार किया था, और आज तुझे लाने के लिए मैं तेरे आदमी का हाथ काट कर भेज रहा हूँ। मैं राजा कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलूंगा, अगर तुझमें हिम्मत है तो सामने आ जा। अगर तू तुरंत आया तो वो तुझे जिंदा मिलेगा, वरना अभी तो सिर्फ हाथ भेजा है, अगर लेट किया तो सर भी भेज दूंगा। बॉस, लफंगे, वर्धन सर की फोटो यहाँ कैसे? इनके साथ तेरा क्या संबंध है? मेरे बाप से तेरा क्या संबंध है?
मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपका बेटा ऐसा करेगा? उसने मेरे पास पढ़ाई नहीं की और वो मेरे पास पला बड़ा भी नहीं। उसके पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी। मेरी बहन को कोई बच्चा नहीं था और उसने इसे पालने के लिए मांग लिया। टीचर का लड़का नहीं पढ़ेगा ये कहावत है, लेकिन तू बराबर हिसाब करता है। सुन, एक काम कर, अगले हफ्ते से 2 मटके शराब ज्यादा बना। मैंने उसका पालन पोषण नहीं किया, इसीलिए वो मुझसे बहुत नाराज है। मेरे बहन का पति राजनीति में है और उसने उसे गलत तरीके से पाला। मुझे तो उससे मिले हुए भी काफी साल हो गए। सदा जब मैंने उसके बारे में सुना ना, तो मुझे काफी दुख हुआ, बहुत ज्यादा। उसकी चिंता में मेरी रातों की नींद उड़ गई। बस अब मैं मौत की राह देख रहा हूं। भाई, ये हमारी बात बिल्कुल नहीं मान रहा है। जब देखो मुंह उठा के पुलिस स्टेशन चला आता है। ये ऐसे नहीं मानेगा भाई, इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। उन गुंडों से झगड़ा मत करो ना सदा। ठीक है रेवती, मैं भी यही चाहता हूँ और कंप्लेंट भी मैंने वापस ले ली है। क्या करें, वो वर्धान सर का लड़का है। उसे छोड़ने से मेरे दिल को शांति मिल रही है। अगर वो वर्धान सर का लड़का नहीं होता तो ये प्रॉब्लम मेरी जिंदगी को बदल देती है। उसके बारे में सोचना बंद करो, हमारे बारे में सोचो। उसमें मैं, तुम, हमारा छोटा सा बच्चा और छोटा सा घर और एक खुशहाल जिंदगी। सरकारी राशन के दुकान में 2 रुपए किलो चावल मिलता है, वो अगले इलेक्शन के बाद मिलेगा। इस बार मिल जाए तो काम हो जाए। भैया, हाँ। अभी भी आपका कुछ बिगड़ा नहीं है? अरे अब तो बहुत कुछ बिगड़ गया है भाई। एक बार समझा चुके हैं, अब दोबारा समझाएं। पहले पहिए की गाड़ी में हॉर्न बजाते थे। हाँ। अब पहिए वाली साइकिल में घंटी बजा रहे हो। अबे जिंदगी एक पहिए की तरह है। तुम्हारा कहना ठीक है, कभी आदमी ऊपर जाता है, कभी नीचे आ जाता है। अच्छा, जो लाइन में खड़ा है वो कौन है? वो तो किसान है। किसान भाई है? हाँ। ये राशन की दुकान पे क्या कर रहा है? आहा, तुम किसान भाई हो ना? हाँ भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राशन ले रहा हूँ। अरे कमीने, चावल खेत में पैदा करने वाला राशन की दुकान में चावल खरीदने के लिए खड़ा हो गया? लंगोट पहन के खड़ा है, तेरा कोट पैंट कहाँ गया बे? भाई थोड़ा साइड में आओ ना। मुझे साइड में क्यों ले जा रहे बे? मैंने अपने खेत 50 लाख में बेच कर अमेरिका के आईटी कंपनी में काम करने वाले लड़के से अपनी लड़की की शादी कर दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। उस गधे ने अपनी कंपनी शुरू कर दी, कंपनी में घाटा हुआ और मैं फिर से भिखारी बनकर यहाँ आ गया। फिर अपने देश के किसान के पास क्या बचा होगा? ये गंदा लंगोट। ये क्या है? यही तो मेरा लंगोट है। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। कहे कि तुम बैठे हो और हम ढकेल रहे हैं। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये एरिया कितना अच्छा है ये कह रहा हूँ। रोड के इस पार कॉलेज और उस पार हॉस्पिटल बनाएंगे तो कैसा रहेगा? इधर कॉलेज में सब एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे और इधर आके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। मनहूस मुँह से कभी अच्छा बोला कर। सस्पेंस सस्पेंस बोलकर मुझे यहाँ लाए हो, बताओ वो क्या है? ओ देखो, सस्पेंस आ गया है। हेलो। हाय। हेलो। अच्छा, यही वो सस्पेंस है ना? हाँ भैया, ये तो बहुत ही भयंकर सस्पेंस है। आप क्या करते हैं? मैं ब्रोकर आत्मचंद। आई सी। आप कौन हैं? मैं इस लैंड का मालिक सुरेश हूँ। आई सी। वो उधर देखो, वहाँ जमीन है। अच्छा, वो हमारी नहीं है। उसके लेफ्ट में बोर्ड दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा है। वही है हमारी जमीन। आई सी। न्याय, हमने अनोखी जमीन खरीदी है। हम यहाँ पे एक बड़ा स्कूल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे स्कूल होगा और यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल। वास्तु के अनुसार बहुत अच्छी जमीन है। सही कहा। और कल सुबह पूरब दिशा की ओर एक बोर करवाएंगे। कल पूरब दिशा में हम लोग बोर करवाएंगे और आज रात में उस कोने में बैठ के 2 बियर पियेंगे। अच्छा है, लेकर आओ। हम जाकर लाता हूँ। ठीक है, पर के लिए 2 खास बात है। क्या खास बात है? आके बताओ। क्या खास होगी, इस तरह का दोस्त मिलना किस्मत की बात है। भैया, मैं क्या करूँ इसका? एक पढ़ा ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई भी बाहर का आदमी यहाँ घुसा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब आपको कौनो धोखा नहीं देगा। ऐसा क्या? अच्छा, अब इसका क्या करें? आप इसको गाड़िए, हम 2 बियर लेके आते हैं। ठीक है भाई। मेरे पास जो पैसा था उससे जमीन खरीद ली। ठीक है, इससे बड़ी बियर की बोतल नहीं, 2 छोटी छोटी बियर ले आओ। अरे ठीक है भैया, ठीक है। इस तरह का पक्का दोस्त भगवान को भी मिलना मुश्किल है। नहीं मानूंगा, गरीबों के लिए इस एरिया में एक बड़ा स्कूल और एक बड़ा हॉस्पिटल बना के ही मानूंगा। हाँ।
लगता है जमीन के अंदर यहाँ पर कोई सो रहा है, वहां जाकर खोद के देखता हूँ। क्या कर रहे हो? नमस्ते सर, मैंने जमीन को अभी भी खरीदा है, अपना बोर्ड लगाने के लिए खड्डा खोद रहा हूँ। मैं यहाँ चैन से सो रहा हूँ, तुम मेरा खून क्यों निकाल रहे हो? बोलो। मैंने तो यहाँ खोदा था, खुदाई यहाँ की तो खून वहाँ से कैसे निकल रहा है? आप क्या कह रहे हैं मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ 20 सालों से सो रहा हूँ भाई। 20 सालों से आप यहाँ सो रहे हैं, माथे पर 1 रुपया चिपका है। सर आप कौन है मुझे बताइए सर। महाराजा आ रहे हैं ऐसा सुनने के लिए मैं यहाँ से रिवर्स में जा रहा हूँ भाई। रिवर्स में कहाँ जा रहे हो? रुको भाई, ब्रदर मुझे कुछ बात करनी है। इस तरफ से आया था और वापस इस तरफ चला गया, पता नहीं कौन था वो आदमी। लाल कपड़े वाले आप कौन है सर? ड्रामा खत्म होने के बाद ड्रेस वापस करके आना चाहिए, ऐसे ही क्यों आ गए? बेवकूफ, मैं नाटक वाला नहीं हूँ, मैं राजा चौहान का पहला सिपाही हूँ। राजा चौहान का पहला सिपाही? सर आप क्या कह रहे हैं? ये बता तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? सर मैंने जमीन को खरीदा है सर, कोई भी यहाँ अंदर नहीं आया, इसके लिए बोर्ड लगा रहा था सर। तूने राजमहल का शयन कक्ष खरीदा, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? राजमहल का शयन कक्ष, ये क्या कह रहे हो? हमारे महाराजा और रानी हजारों सालों से इसी शयन कक्ष में सो रहे हैं। हजारों सालों से सो रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। और मैं यहाँ पर हजारों सालों से खड़े खड़े सो रहा हूँ। खड़े होकर सो रहे हो? राजा चौहान शयन कक्ष में पधार रहे हैं। सिपाही सुपरमैन बन गया, राजा हजारों सालों से सो रहा है। राजा धीराज चौहान सर आप कब से सो रहे हैं? ये कैसे हो गया? अरे बाप रे! शमशान घाट भी भेज दिया। मैं जब तुम्हारे साथ बाइक पे बैठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मामले में टांग मत अड़ाना, नहीं तो तुम सबको मार देंगे। मैं जानता था तू यहां जरूर आएगा सदा। मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करके आया ना, तुझे क्या लगता है पुलिस मेरा कुछ उखाड़ लेगी? हाँ क्यों बे, मुझे देख के बहुत गुस्सा आ रहा है ना? हाँ मुझे मारना चाहता है ना? हाँ गुस्सा तो आ रहा है और तड़प भी रहा हूं, लेकिन तेरे पापा जो मेरे गुरु हैं वरदान सर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्हीं की वजह से मैं चुप हूँ। बेवकूफ, मैं पुलिस स्टेशन क्यों गया था जानता है? तेरी कंप्लेंट लिखाने के लिए नहीं, तेरी कंप्लेंट वापस लेने के लिए। और ये सब जाने बिना तूने मेरे घर पे गुंडे भेजकर तोड़फोड़ कर दी। अब तो मैं तेरे रास्ते में नहीं आ रहा हूं ना, तो तू मेरे रास्ते में आकर तंग क्यों कर रहा है? मैं तंग कर रहा हूं? तो भूल मत, मेरे आदमी को मारने वाला तू है। मैंने तेरे आदमी को नहीं मारा, वो एक्सीडेंट था। तेरे ही पापा को भगाकर मारने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसे रोका और उसी में उसकी मौत हो गई। हम ये बात नहीं जानते थे भाई। तू जानता है तेरे पापा के बहुत से स्टूडेंट्स आज डॉक्टर बन गए हैं, टीचर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं और इज्जत से उनका नाम लेते हैं, और तू उनका बेटा होकर इस तरह रास्ते पर गुंडागर्दी करता फिरता है? मेरी जगह पर आकर तू मुझे एडवाइस दे रहा है? नो, एडवाइस नहीं दे रहा हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं एक अनाथ हूं लेकिन तुझसे बड़ा आदमी हूं, पर आज मैं जिस पोजीशन में भी हूं उसका कारण तेरे पिताजी ही हैं। तू अनाथ था तो उन्होंने तुझे पढ़ाया, पर मेरे साथ क्या किया? मुझे तो अनाथ बना दिया, मैं उनसे कैसे बदला लूंगा? जो पढ़ नहीं सकते थे उन्हें पढ़ाकर उन्होंने अच्छी जगह पहुंचा दिया, जो पढ़ नहीं सकते उन्हें इज्जत नहीं मिलती क्या? मिलती है, पॉलिटिशियन को मिलती है। और यही सोचकर मैंने अपने मामा के साथ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। मेरे पाप को मेरे बारे में जानकर शर्मिंदा होना चाहिए, उन्हें यह सोचना चाहिए कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं पाला।
ये क्या रिएक्शन चेंज हो गया तेरा? तेरे गुरु का बेटा गुंडा कैसे बन गया ये सोच रहा है ना? अरे छोड़ना, मैं आज गुंडा हूँ ये सोचकर दुखी मत हो, चल निकल यहाँ से। तो तू अभी से गुंडागर्दी छोड़ क्यों नहीं देता? कल सुबह के 10 बजे राज राजन हॉस्पिटल में मणि नाम के आदमी को मारूंगा। बचा सकता है तो बचा ले। मैडम कोई मणि नाम का आदमी यहाँ? मणि भाई जिंदाबाद। मणि भाई जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? मणि भाई कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? मणि भाई कैसा हो? मणि भाई जिंदाबाद। 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 हेलो सर, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं सर। देखिए ये हॉस्पिटल, यहां पे नारे मत लगाइए, आप लोग उस तरफ जाइए प्लीज। आइए सर। हां चलो चलो चलो। क्या है? सॉरी सॉरी मैडम, डॉक्टर मनी से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकती। चाहे तो शाम को 4 बजे आ सकती है। हाँ ठीक है, 5 बजे आ जाइए। मनी डॉक्टर का नाम है? बॉस रुक जा। तो ही है ना जिसने मेरे खिलाफ आवाज उठाई? बस स्टैंड की जगह चाहिए थी ना, अब कब्र की जगह ले। सदा मणि तो गया, उसका काम तो हो गया। ये पकड़। न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति। न्याय, तेरी वजह से हमने धनंजय को खूब लूटा। ये ले तेरे हिस्से का रोकड़ा। धनंजय को तो इसने बार बार बेवकूफ बनाया है ना। अरे वो बात का है ना, धनंजय को बचपना से खराब आदत है, उसको जो भी कहो वो नहीं करता है, लेकिन जो बात मना करो वही करता है। उसी चक्कर में वो ससुरा बर्बाद हो गया। समझ गया, जिगरी दोस्त को भी धोखा देना आज फैशन बन गया है। कोई बात नहीं दोस्त, अभी तक मैं अपने ग्राउंड फ्लोर की बात मानता था, और आज से मैं अपने टॉप फ्लोर से काम करूंगा और तुम लोगों की वाट लगाऊंगा। तंजौर में क्या चल रहा है? गुंडागर्दी, मर्डर, लूटपाट, क्या है ये सब? पर इसमें हमारा कोई दोष नहीं है सर। जब तक पॉलिटिशियन हमारे काम में टांग अड़ाते रहेंगे तब तक क्राइम का खत्म होना मुश्किल है सर। इन्हीं समस्याओं की वजह से आपकी कोई भी बात नहीं मानी जा रही है डीजीपी। बट तंजौर के हालात बहुत खराब है सर। अब कोई भी पॉलिटिशियन आपके काम में टांग नहीं अड़ाएगा। ओके ओके सर। दिन दहाड़े एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, रिडिकुलस। ये घटना डिपार्टमेंट के ऊपर एक बदनुमा दाग है, उन लोगों को अरेस्ट करो। ओके सर। वन मिनट सर। मनी नाम के जिस डॉक्टर का कत्ल हुआ है वो मेरे कजन थे। जोकर आ गया। जल्दी कार डालो, अभी रमी नहीं हुई है। अरे ये कौन है शहर में, कोई नया भिखारी आया है क्या? अरे वो धनंजय होगा भाई। अरे धनंजय का तूने क्या हाल कर दिया भाई। अरे धनंजय क्या करेगा? अरे करना क्या है, मंदिर के सामने भीख मांगेगा। ओ मेरी माता माता, तूने मुझे बहुत ज्यादा माल दे दिया है, अब इसको लेके मैं कहाँ जाऊँ? ये क्या,
गधा भगवान के सामने अर्जी लगा रहा है। चलो देखे क्या कर रहा है। माते, अभी तक मैंने बहुत सारी जमीन खरीदी थी लेकिन उसमें धोखा ही मिला। लेकिन आज जो मैंने जमीन खरीदी है उसमें जहाँ खोजो सोने का घड़ा ही मिल रहा है। मैं इतने सोने का क्या करूँगा। वहाँ का सारा सोना निकालते निकालते मुझे लगता है मैं अंबानी से 50 गुना ज्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा। मेरे हिसाब से इतना सोना तो होगा ही। इतने ज्यादा पैसे का मैं क्या करूँगा। मेरी माँ, आखिर आदमी को चाहिए क्या, दो वक्त की रोटी और तन ढकने के लिए दो जोड़ी कपड़ा। भैया, ओ भैया, जिंदगी का मकसद को तुमने 2 जून की रोटी में समझा दिया, लेकिन एक बंगला भी मिल जाए तो। वो सब तुम पैसे वालों के लिए है। तुम जो कह रहे हो वो सच है क्या? बिल्कुल सच है। मैंने आज ही शहर में जो नई जमीन खरीदी है ना, उसमें जहाँ भी खोदो सोना ही सोना मिल रहा है। देखो, इसको सरकार हड़प लेगी। अच्छा, लेकिन ये सब सरकार के पास चला जाए ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो तुम क्या चाहते हो? आप लोग इस जमीन को किसी और को बिकवा दो। तू कितने में छोड़ेगा? मैं थोड़ा पैसा ज्यादा लूंगा। मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए हैं। 5 करोड़ तो कम से कम लूंगा। मुझे लगता है मुझे इस जमीन से 500 करोड़ का सोना मिल जाएगा। लेकिन मुझे ज्यादा लालच नहीं है। 5 करोड़ से एक ज्यादा 6 करोड़ भी मिल गया तो मैं लेकर चला जाऊंगा। हम जमीन खरीदेंगे। तुम लोगों के पास इतना पैसा है क्या भाइयों? है ना भाई, रियल एस्टेट में हम कभी कभार कमा लेते हैं। कभी कभार कमाई करके इतना सारा सोना कमा लिया। हमने पैसा कैसे कमाया ये सब छोड़ो, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं है। इतना ज्यादा टाइम देखने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैं रजिस्ट्रेशन आज ही करवाऊंगा और कल मैं मलेशिया चले जाऊंगा। डन 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 डन। हाँ, जल्दी जल्दी खोदो। हाँ, यहाँ से जितना सोना मिलेगा ना पूरा तंजौर खरीद लेंगे। अरे खोद खोद जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी हाथ चलाओ। हाँ जल्दी भाई, मुझे तो यहाँ कुछ नहीं मिला। अरे मुझे भी कुछ नहीं मिला यार। ए, तुम सब लोग बुड़बक होगा, सोना जमीन के गहराई में ही गड़ा होगा ना भाई। हाँ, यहाँ बहुत बड़ा कलश मिलेगा। अरे कलश की क्या बात कर रहा है, यहाँ तो बहुत बड़ा घड़ा मिलेगा। अरे भाई, लोटा चम्मच गिलास जो भी हो निकाल लो, जल्दी करो, नहीं कोई आ जाएगा तो हम फंस जाएंगे। चलो जल्दी। क्या भाई लोग, तुम लोगों ने कितना सोना कमाया देखने के लिए आया हूँ, बताओगे नहीं क्या? ए, तू ये क्या कर रहा है, जा यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुमने डॉक्यूमेंट बराबर पढ़ लिया है ना? ए, हम लोगों के पास कोई कागज पत्र नहीं है। चलो तुम निकलो यहाँ से। निकलो। मेरे पास है, अगर तुम लोग चाहो तो मैं अभी पढ़ के सुना सकता हूँ। सुनाओ क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, चल तू निकल। मेरी बात मानो तो एक पेज पढ़कर सुना लेने दो। ठीक है चल सुना। तुम सब लोग जिंदगी भर इसकी देखभाल कर सकते हो। चलो जल्दी जल्दी बताओ, समझे? बताता हूँ एक खास बात, सब लोग नंबर वाइज एक एक करके इसकी देखभाल करेंगे, लेकिन तुम लोगों के लिए इसमें एक छिपी हुई शर्त भी लिखी हुई है। हाँ तो बताना। हाँ, इसके अनुसार आप सभी लोग इस जमीन में एक साथ काम नहीं कर सकते। वो क्यों? बताता हूँ। पहले सफाई लाल देखभाल करेंगे, इनके मरने तक इनका अनुभव बहुत काम आएगा। उसके बाद उत्तम सिंह अपने मरने तक इसकी देखभाल करेंगे, उनके मरने के बाद इंसान सिंह, और उनके मरने के बाद धड़कन लाल का नंबर आएगा, और धड़कन लाल के मरने के बाद न्यायमूर्ति जी अपना आखिरी दम इसी जमीन पे तोड़ेंगे। अच्छा, एक मरेगा तो दूसरे का नंबर आएगा, दूसरे के बाद तीसरे का, तो हमारा नंबर कब आएगा बे? अरे रे, ये क्लाइमेक्स तो बिल्कुल अलग है बे। अरे रे रे, एक दूसरे को ही चाकू मार दिया क्या? मैंने सोचा ये मरेगा तो मैं मालिक बनूंगा। ये मरेगा तो मैं मालिक बनूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको मार दूंगा तो मैं मालिक बनूंगा। ठीक है, मैं भी तो यही चाहता था। अब तो खुदाई करने के लिए टाइम ही नहीं बचा भाई। टाइम ही नहीं भाई, तुम 6 लोगों के पास तो लाइफ टाइम ही नहीं बची। क्या हुआ भाई? लगता है हम लोग सोना देखे बगैर मर जाएंगे। अपने मरने से पहले सोने का खजाना देखना चाहोगे क्या? तो ठीक है, ये रहा तुम्हारा सोने का खजाना। क्या वो भाई? अरे टीन का डब्बा। ये टीन का डब्बा नहीं है बेटा, पेंट का डब्बा है। मरने से पहले ही तुम्हारी जुबान फिसलने लगी है। दूसरे की जायदाद हड़पने वाले का यही अंजाम होता है। तंजौर का रहने वाला हूँ सोच के मेरा तबला बजा दिया, इसलिए मैंने तुम सब लोगों की पिपिरी बजा दी बेटा। तुम सब फ्रॉड ब्रोकरों की वजह से ईमानदारी से काम करने वाला ब्रोकर भी बुरा बन जाता है। अब जल्दी से सेटल हो जाओ, मैं चलता हूँ। तुम सब की कहानी खत्म। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कुछ गाना बजाना तो होना ही चाहिए।
ஸ்டேஷன் தஞ்சாவூர் ஈஸ்ட். வெள்ளச்சாமி தஞ்சாவூர் வெஸ்ட். செந்தாமரை தஞ்சாவூர் நார்த். சத்யமூர்த்தி மெடிக்கல் காலேஜ் ஆனந்தன் தஞ்சாவூர் சவுத். பாஸ்கரன் புன்னைநல்லூர். அரங்கநாதன் பூண்டி. விஜயகுமார் பாபநாசன். சஞ்சீவ் குமார் திருவாரா. சார், ஹமாரி டெல்டா டிஸ்ட்ரிக்ட் மே குண்டோ கி தோ அலக் அலக் கேங் ஹே. ஏக் தோ ஜாதி கே ஆதார் பர் காம் கர்னே வாலே குண்டே ஹே ஜோ லோ கிளாஸ் கே ஔர் தூஸ்ரே குரூப் கே குண்டே ராஜ்நீதி கே ஆதார் பர் சல் ரஹே ஹே. सर, वामन शंकर और छोटा रवि दोनों डेल्टा डिस्ट्रिक्ट पर राज कर रहे हैं. उनके नाम पर वसूली अब भी की जा रही है. ये पता नहीं वो जिंदा हैं या नहीं. वो शायद ऑपरेशन तंजावुर में मारे गए. सर, बोस का एक छत्र राज यहाँ चल रहा है. उसकी गतिविधियाँ तंजावुर में बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं. और डॉक्टर मनी के कत्ल में भी उसी का हाथ है. बोस के खिलाफ कितनी कंप्लेंट है? एक भी कंप्लेंट नहीं है सर. क्या कहा? उसने शहर में इतनी दहशत फैला के रखी है और उसके खिलाफ एक भी कंप्लेंट नहीं. कपाली नाम के ब्रोकर का 20 सड़क में बोस के आदमियों ने खून कर दिया. मैंने उस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो एमएलए ने मेरा ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया. राजनीति सर, अगर नेता लोग हमारे बीच में टांग नहीं अड़ाते तो बॉस के आतंक को हम 4 दिन में ही खत्म कर देते. बॉस के खिलाफ एक कंप्लेंट, कोई भी एक कंप्लेंट किसी भी स्टेशन से ढूंढ निकालो, या फिर उसने जिस जिस को परेशान किया है उसको कंप्लेंट देने को कहा. ओके? यस सर. यस सर. यस सर. सर, मैं इंस्पेक्टर वेंकटेश बोल रहा हूँ. इस स्टेशन में बॉस का कोई रिकॉर्ड नहीं है सर. सर, FIR चेक कर लिए. बॉस की कोई कंप्लेंट नहीं है. बॉस के खिलाफ यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है सर. फ्रेंड्स, कानून व्यवस्था के मामले में ऑटो ड्राइवर जाने अनजाने में किसी भी गुनाह के मामले में धकेले जाते हैं. मैं बताना चाहता हूं, अब तंजावुर में हुए गुनाहों के बारे में अगर कोई कुछ भी जानता हो तो मुझे बता सकता है. हम उन क्रिमिनल्स के खिलाफ कड़क से कड़क एक्शन लेंगे. आप लोगों को कुछ नहीं होगा. ये ऑटो ड्राइवर्स और पुलिस का जॉइंट एक्शन होगा. क्रिमिनल्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो डायरेक्ट मुझे बताएं. मैं आपसे वादा करता हूं, ये बात सीक्रेट रहेगी. क्यों, ठीक है ना? ओके सर. नमस्ते सर, तंजावुर से मैं केके बोल रहा हूँ. हाँ बोलो. बोस के खिलाफ एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, किसी सदा ने की है. उसके दोस्त के ऊपर हमला हुआ था तो उसने कंप्लेंट की थी और बाद में वापस भी ले ली सर. मैं सदा से मिलना चाहता हूँ. सर, सदा आपसे मिलना चाहता सर. उसको भेज दो. ओ, भेजो. मैं आपसे बाद में मिलता हूँ. नमस्ते सर. कम बॉस के खिलाफ कंप्लेंट की थी, वापस क्यों ले ली? बॉस मेरे गुरुजी का बेटा है. मैं समझा नहीं. मैं पढ़ लिख कर आज जिस भी पोजीशन पर पहुंचा हूं उसका कारण वर्धन सर हैं, और बॉस उन्हीं का बेटा है. वर्धन सर? जाफर, तुम बताओ. महात्मा गांधी को देश का पिता कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे. जहाँ पर देश का पहला गीत गाया गया वो राज्य कलकत्ता था. गुरुजी, ये तंजौर जिले के नए SP साहब हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं. आप बैठे रहिए, मैं जाफर हूँ. आज मैं जो हूँ वो सब आपकी वजह से ही हुआ है सर. त्रिचूल में आप ही हमें पढ़ाते थे. सर, ये मेरी पत्नी सलमा शेख. नमस्ते. ये मेरा बेटा वरधान. नमस्ते. सुखी रहो, बैठो. मेरे पास पढ़े लिखे बच्चे, आज बड़े बड़े पोस्ट पर देखकर बहुत अच्छा लगता है. ये देखकर मेरे दिल को बहुत ज्यादा खुशी होती है. एक्ट मर्डर और भी बहुत सारे केसेस हैं. वो उसका शूट आउट का ऑर्डर निकला है. मैं कुछ नहीं कर सकता. क्या है कि अगर वो पुलिस को सरेंडर कर देगा तो इनकाउंटर से बच जाएगा और सिर्फ जेल की सजा मिलेगी, ऐसा ये कह रहे हैं. सर, अगर आप कहेंगे तो वो सरेंडर कर देगा. एक मिनट रुको जाफर, इधर आओ बेटा. सदा, वो किताब पढ़िए, वो लेकर आओ. अच्छा, तुम गांधी जी को जानते हो बेटा? जानता हूँ. पसंद करते हो? करता हूँ. रख लो. धन्यवाद दादाजी. दादाजी, कल मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है. मैं उसमें गांधी जी बनने वाला हूँ. वेरी गुड.
चलते हैं सर। अभी बोस कहाँ है सदा? तुम भी आओ करो। नहीं, आप जाकर बात करके आइए। आइए गुरुजी, आइए। तुम्हारा बेटा वीर बने इसलिए नाम सुभाष चंद्र बोस रखा था ना, अब तो मेरी वीरता इस पूरे शहर में मशहूर है। एक बात जानते भी हो, पुलिस 24 घंटे भी दौड़े ना तो भी मुझे नहीं पकड़ सकती। अब तो आपको गर्व हो रहा होगा ना। क्या हुआ, कुछ बोल नहीं रहे हो? बेटा, मैं चाहता था कि मेरा बेटा भी सदा की तरह निकले, लेकिन तूने गलत राह पकड़ ली। इतने दिनों तक नहीं समझाया, अब क्या समझा रहे हो? मेरी बात मान ले बेटा, सरेंडर कर दे, पुलिस तुझे जान से मार देगी। ऐसा कभी नहीं होगा गुरुजी, पुलिस के हाथों से मैं नहीं मर सकता। ये एसपी तो धमकी दे रहा है, इतने दिनों तक अकेले बचता आया हूँ, आगे भी बचना जानता हूँ। तुम जाओ, जाओ जाओ, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेरी बात मान बेटा, सरेंडर कर। अरे जाओ, जिद मत कर बेटा। ए, 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 मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। गुरुजी, तुझे बहुत रहम आ रहा है ना? हाँ बोस, कम से कम अब तो अपने पिताजी की बात मान ले। अगर तूने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस तेरा इनकाउंटर कर देगी। चुपचाप से सरेंडर हो जा। तुझे कहा था ना मत आना मेरे पास। नहीं मानी ना मेरी बात? ए बोस, छोड़ दे, छोड़ उसे। सदा, तुम उसे मार क्यों नहीं रहे हो? आपकी आंखों के सामने मैं आपके ही बेटे को मारूं, ये मुझसे नहीं होगा गुरुजी।
लगाना। आजा 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 उठ बॉस। उठता ये सब तुम्हारी चाल है ना? नहीं बेटा ये सच नहीं है। मैं तुम्हें देख लूंगा। बॉस भागो मत रुको सुनो। वो साइड क्या है? उधर से फॉलो करो। हाँ, दैट साइड। चलो, कम ऑन। शिट, रास्कल। सर, बोस हमारे हाथों से निकल गया सर। अब हमारे लिए क्या ऑर्डर है सर? सॉरी सर, हमें उसका एनकाउंटर करना ही पड़ेगा। बेटे की मौत होने वाली है जानकर कोई भी बाप ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये सह नहीं पाऊंगा। मैं यहां से दूर चला जाता हूं। चल लाइसेंस दिखा। हाँ सर, चल चल आरसी दिखा। ए ए धर्मा सर, चलो चलो पकड़ो उसे, पकड़ो, चलो 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 पकड़ो। ए ए ए ए ए ए ए रुक 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 चलो जीती करो जीती करो बस बस चलो चलो जल्दी जल्दी आउट उस तरफ गया। वो इतना नहीं चाहिए। वो चलो कम ऑन।
बोस के बारे में कुछ पता चला सदा? पुलिस बोस को ढूंढ रही है, लेकिन उनके ढूंढने से पहले मैं उसको ढूंढ लूंगा। आप चिंता मत कीजिए गुरुजी। कल आजादी का दिन है, इंदिरा गांधी अनाथ आश्रम में झंडा रोहन के लिए मुझे बुलाया है, तुम भी वहां आना बेटा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। बोस, मैं सदा बोल रहा हूँ, तू कुत्ते की मौत मरने वाला है। तूने वादा किया है कि तू पुलिस के हाथों नहीं मरेगा, लेकिन तू एनकाउंटर से ही मरेगा। पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। ए, तेरे बचने का कोई चांस नहीं है। तंजौर के पूरी पुलिस फोर्स ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है। पूरे शहर में 8 चेकपोस्ट डाले और तेरी पूरी छानबीन चल रही है। किसी भी वक्त तेरा अंत हो सकता है, लेकिन मैं तुझे बचा सकता हूँ। तू कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुझे तंजौर से सही सलामत बाहर निकाल सकता हूँ। तो मुझे बचाना चाहता है? ए, तू पागल हो गया है? किसी क्रिमिनल को बचाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तू मेरे वरदान सर का बेटा है, इसलिए मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। इस वक्त मैं कहाँ हूँ ये बात कोई भी नहीं जानता, तू मेरी मदद कैसे करेगा? ए बोस, तू कहीं भी जा लेकिन मेरी नजर से बच नहीं सकता। तेरी हर मूवमेंट पर मैं वॉच करता हूँ। अभी भी मैं तेरे कंपाउंड के गेट के बाहर हूँ। तुझे भरोसा नहीं है क्या? तो चल मैं अंदर आता हूँ। मामा, सदा मुझे बचाना चाहता है, सुना आपने? मुझे तंजावुर से बाहर निकालेगा, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शाबाश बोस बेटा, तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये मैं जानता हूँ। पैसे का मन में है घपला, सब कुछ बिगड़ा, अब कौन बचेगा? हुकूमत छीन, अब हार न मान, जाए कर तू भी डर ले खुदा से, कर अब जाग जा बंदे, करना कैसा जाना ही होगा, तू है क्या सोचे जो करेगा भरेगा इस देश का परचम, भारी सब पे है हर दम, अब ये न सहेंगे, अब यू न बलि देंगे। आगे है बढ़ना, आगे है बढ़ना,
एडवाइस दूं तो तुझे पसंद नहीं है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुझे सिर्फ मैं बचा सकता हूँ और उस मेहरबानी के लिए तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। यह दीवार देख रहा है, यह सब तू और तेरे आदमियों ने किए गुनाहों का पर्चा है। कितने लोगों का तूने खून बहाया होगा और कितने औरतों को तूने बेवा किया होगा। बोस, हर क्रिमिनल अपने काम को सही समझकर करता है, लेकिन असलियत में वो अपराध होता है। तू भी सोच रहा होगा कि तूने सब सही किया है, लेकिन वो सब गलत है। अगर एक अकेला आदमी दुनिया में आतंक फैलाता रहेगा तो सारे लोग उसका विरोध ही करेंगे और उसे सजा देंगे। तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। तुझे बचाने के लिए मैं तेरा भेस बदल दूंगा। उस भेस में तुझे बदलने के लिए मुझे शर्म तो बहुत आएगी। एक देशद्रोही इंसान को मैं उस भेस में डाल रहा हूं, क्या करे, दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर दूसरा कोई क्रिमिनल होता तो सच में मैं उसका साथ कभी नहीं देता, लेकिन तू एक गांधीवादी इंसान का बेटा है और उनके दिव्य ज्ञान की इज्जत करके मैं तेरा साथ दे रहा हूं। उनका अपमान करने की कोशिश मत करना। बोस मेरे वरदान सर का बेटा है, वो पुलिस इनकाउंटर में मरना नहीं चाहिए। बहुत विद्यार्थियों को शिक्षा देकर जिंदगी में उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया और इस बात का उन्हें कोई गर्व नहीं। समझा क्या, ऐसे घूर क्यों रहा है? तुझे सिर्फ पुलिस के इनकाउंटर से बचाना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं इस चश्मे की और उस धोती की बहुत इज्जत करता हूं। एक बात तुझे याद है, विश्व विजेता हिटलर को भी उन्होंने जीत लिया था, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर विंसेंट चर्चिल, लेकिन भारत के एक अर्धनग्न आदमी से उसे हारना पड़ा। कारण अहिंसा। उसी अहिंसावादी के भेस में अब मैं तुझे बदलने वाला हूं। उस भेस में बदलने के बाद मुझे पता है कि तेरे अंदर बदलाव जरूर आएगा। उस गांधी को तो गोली से मार दिया गया था ना, ये गांधी का भेस मुझे बचा पाएगा क्या? गोली नहीं मारेंगे, कल स्वतंत्रता दिवस है। गांधी का भेस देखकर तुझ पर गोली भी नहीं चलाएंगे। वो तुझे एक अपराधी के नहीं बल्कि गांधी जी के रूप में ही देखेंगे। बोस जरा गांधी जी को याद करो, तुमने जिंदगी में कितने लोगों को तकलीफ दी और वो दर्द क्या होता है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। ज्ञान बांट रहा हूं सोच रहे हो ना, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूं। मैं तुझे सुधारने के लिए नहीं बल्कि वरदान सर के बिगड़े हुए लड़के को एडवाइस देने की कोशिश कर रहा हूं, बस यही कर रहा हूं। कल मैं तुझे तंजौर से बाहर ले जाऊंगा, लेकिन पुलिस के सामने कल तक तू जिंदा रहेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। अगर समझ ले ऐसा हो गया ना तो मैं वरदान सर के बेटे को बचा नहीं पाया ये सोच मुझे तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। समझने की कोशिश कर। हथियार उठाने वालों का तो बहुत से लोग साथ देते हैं, लेकिन अहिंसावादी का सिर्फ गांधी जी साथ देते हैं। नमस्ते, इसमें सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने दस्तखत किए हैं, सिर्फ गांधी जी के नहीं हैं। आप कर देंगे? बहुत से लोगों ने गांधी जी का भेष अपनाया, उनका भेष अपना कर भी उनके पास तक नहीं पहुंच पाए। आज स्वतंत्र भारत में गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। आप कौन हैं, क्या करते हैं मैं नहीं जानता, परंतु आप इस भेष में साक्षात गांधी जी लग रहे हैं। नहीं,
सर अगर आपकी इजाजत हो तो झंडा फहराने का काम गांधी जी के हाथों से करवाएं। बोस, लोग चाहते हैं कि तुम देश का झंडा फहराओ। जाओ। मैं? अरे जाओ कह रहा हूं ना। बोस गांधी बन गया है क्या? मेरे बेटे का चरित्र खराब होने के बावजूद आज तुमने उसे श्रेय दिलवाया है। भगवान तुम्हें सुखी रखे। सदा मैं इस देश का झंडा नहीं फहरा सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। मैं पुलिस को सरेंडर कर दूंगा। अब ये यहां पर सरेंडर क्यों कर रहा है? अब मुझे भी फंसाएगा। दिनों तक अपने आप को पहचान नहीं पाया और जब पहचाना तो खत्म हो गया।